है वो नंबर तीन की पोजीशन, मोहम्मद अजहरुद्दीन। देखिए आप लोग चर्चा कर रहे थे स्विंग बॉलिंग की और फास्ट बॉलिंग की, पेस की मशीनें भी पेस के बारे में बोला। दिक्कत यहाँ पे आज पेस की दिक्कत नहीं आ रही आज करके, आप जो बैट्समैन है उनको बिल्कुल वो यूज टू है पेस के, वो थ्रो डाउन करते हैं, वो इसमें ऑलमोस्ट 140 150 की भी थ्रो डाउन करते हैं, तो उनका पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर देखा जाएगा तो जहाँ मेन प्रॉब्लम यहाँ पे जो होगा, जहाँ बॉल स्विंग होगी, उमूमन अगर आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में जो बैट्समैन बड़े से भी बड़ा बैट्समैन हो, जहाँ बॉल स्विंग होता है, चाहे वो बाबर आजम हो या विराट कोहली हो या जो रूट हो, जहाँ पे बॉल स्विंग हुई वहाँ पे खेल नहीं सकेंगे। तो यहाँ पे जितना आप बॉलिंग में बॉल जितना स्विंग करेंगे, बट लेकिन कंडीशन श्रीलंका में कैसे होंगे वो किसको पता नहीं, क्योंकि नॉर्मली यूजुअली कंडीशन थोड़ा सा उमूमन दो दिन ओवर बॉल तो नया बॉलर मूव होता है, बट उसके बाद में जो बॉलिंग जैसे डालेंगे जब उसके बाद में, क्योंकि ये 50 ओवर गेम है, क्योंकि एक बॉलर को 10 ओवर डालना पड़ेगा, जो बॉलर को फिट होना पड़ेगा 10 ओवर डालने के, और श्रीलंका में वो ट्राइंग कंडीशन इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, तो श्रीलंका में कैंडी में जीत की कैंडी दिलाने का ज्यादा दारोमदार क्या गेंदबाजों पर, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। जल्दी से आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं सवेरा, सवाल आपका। जो आपने कहा ना कि कैंडी में मेरा ख्याल से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा बारिश, इसलिए क्योंकि 90% रेन की फोरकास्ट है, तो तीसरा खिलाड़ी जो है वो बारिश होगा कि वो मैच कितना होने देगा और कितना नहीं होने देगा। मगर जहां मैं कपिल जी से बिल्कुल अग्री करती हूं कि जहां हम इंडिविजुअल्स की बात करने लगते हैं वहां तो एक टीम इतनी आसान हो जाए कि विराट कोहली को आउट कर दो तो चलो जी इंडिया को पूरा आउट कर दिया। इट इज अ टीम गेम, और मुझे लगता है कि जब हम टीम गेम की बात करते हैं तो इंडिया के खिलाफ अभी तक क्योंकि फखर चला नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के खिलाफ फखर हमेशा अच्छा करते हैं, तो फखर का बल्ला चलेगा। फिर इमाम हैज बीन डूइंग वेरी वेल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इमाम का एक बहुत अच्छा रन स्पेल रहा है पास्ट में, इमाम जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली बाबर और फिर इफ्तिखार के फायरवर्क्स तो देख ही लिए हैं, बीच में कहीं ना कहीं शादाब भी जब आते हैं डाउन द ऑर्डर तो वो भी कहीं ना कहीं एड इन कर देते हैं। सो मुशी भाई, कमिंग बैक टू यू, जो जिस तरह इनपुट हमारे लड़के इस वक्त दे रहे हैं एज अ टीम एज अ यूनिट, पाकिस्तान इस उस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है कि टीम की तरह जुड़कर जरूर खेल रही है। आई थिंक इस बात जवाब देने से पहले मैं कपिल भाईजी को एक बात कहना चाहता हूं, मैं इनसे नाराज हूं। वो मैं नाराज इसलिए हूं कि 92 के सिडनी में जब हम इंडिया के खिलाफ खेल रहे थे तो मेरा बड़ा अच्छा स्पेल चल रहा था, मैंने 2-3 आउट कर लिए हुए थे, और ये कपिल पाजी आए और उन्होंने आते ही मुझ पर अटैक कर दिया और 2-3 ओवरों में मुझे 15-20 रन ले लिए, मेरे सारे फिक्र ख़राब कर दिए। तो मैं नाराज़ हूँ कपिल पाजी आपके इस बात के ऊपर अभी तक, मगर अगर सिचुएशन देखी जाए तो आपने जो बात की है ना, पाकिस्तान टीम इस वक्त बड़ी यूनाइटेड होके खेल रही है पिछले कोई साल डेढ़ साल से, इसलिए नंबर वन बनी है। आपने जैसे कपिल पाजी ने बड़ी अच्छी डिस्क्राइब किया है कि बड़े मैचों में टीमें लड़के इकट्ठे लड़ती हैं, एक इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर डिपेंड नहीं किया जाता, मगर हैविंग सेड दैट इसमें लीडरशिप की बड़ी क्वालिटी होती है। आपको मैं आपकी मेमोरीज को वापस लेके जाता हूँ 2020 में, इवन जब ICC 2020 का दुबई में मैच हुआ था तो रोहित शर्मा ग्रेट प्लेयर, विराट कोहली इज अ ग्रेट प्लेयर, बट वो जब आपके बड़े प्लेयर अंडर परफॉर्म करते हैं ना बड़े मैच में, तो जो दूसरे प्लेयर होते हैं ना उनका मोरल वैसे ही गिर जाता है, वो वैसे ही डाउन हो जाते हैं। तो बड़े मैच में बड़े प्लेयर का परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपकी आती है बॉडी लैंग्वेज और टेम्परामेंट, जिसका जितना दिल बड़ा तगड़ा होगा वो उतना ही एक्सप्रेस करेगा अपने आप को और अपनी टीम को लड़ाने में वो तगड़ा रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल मशी भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं इस बात से भी इतफाक रखता हूं जो बात सवेरा ने पहले कही, शाहिद भाई ने कहा कि पाजी ने कहा कि सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि पूरा एक टीम गेम है, लेकिन कभी कभार क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक मेन प्लेयर के इर्द गिर्द पूरी टीम चलती है, और इसीलिए मैं एक बार फिर यहाँ पर कपिल पाजी, अजहर भाई और शाहिद भाई आप सबसे बस ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि हम बात यहाँ पर विराट कोहली की कर रहे हैं, और जो बात सवेरा ने जिक्र किया शो की शुरुआत में कि इंडियन टीम का कॉम्बिनेशन का इशू, और इसीलिए बात ये चल रही है कि क्या विराट को 3 से हट के 4 पे होना चाहिए, क्या पता शाहीन का ओपनिंग स्पेल निकाल सके और फिर विराट अपने आप को बेटर एक्सप्रेस कर सके। आप इससे पहले कि मैं पाजी आप दोनों से ये पूछूं, मैं बस ये जानना चाहता हूं शाहिद भाई आपसे, माला कि ये मसला जो है इंडियन टीम का है, लेकिन आपने खुद बोला कि आप विराट के बहुत बड़े फैन हैं, आप उनको अच्छा लगता है आपको बैट, क्या आपको ऐसा लगता है बताओ अगर आप टीम के कप्तान हो कि आपका बेस्ट बल्लेबाज वनडे में नंबर 4 पर खेले, या आपको लगना चाहिए कि वो ऊपर नंबर 3 पर ही खेले जहां पर उनके सबसे ज्यादा रन बने हैं अभी तक? नहीं, मैं तो समझता हूं जो बेस्ट होता है उसको ऊपर ही रहना चाहिए,
और क्योंकि उसकी ज़रूरत ऊपर होती है, ऊपर किसी नए बॉल को खेलना भी होता है, तो जो बेस्ट होता है वो उसको टैकल करता है नए बॉल को। तो मेरे ख्याल में विराट जिस बैटिंग नंबर पे खेल रहे हैं, जिस पे अभी तक इतनी परफॉर्मेंसेज दी हैं, नंबर तीन जितने भी टॉप वर्ल्ड क्लास बैट्समैन पहले के रह चुके हैं, अब के देखें वो नंबर तीन पे नजर आएंगे आपको। मैं जरा ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर दोनों टीमों को ऑलराउंडर्स के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ पर क्या एडवांटेज इंडिया और डिसएडवांटेज टीम पाकिस्तान नजर आता है शायद भाई? मेरे ख्याल में दोनों ही बैलेंस है इस हवाले से, ऐसे कोई कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑलराउंडर्स दोनों तरफ मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स जैसे पांडे है, ज़बरदस्त बॉलर है, साथ में बैटिंग छक्के अच्छे मारता है, एक प्रॉपर ऑलराउंडर की शक्ल में है। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान की टीम में भी इसी तरह जैसे शादाब को ले लें आप, नवाज़ हो गया, इफ्तिखार हो गया बॉल करता है, आगा हो गए, तो हमारे पास भी मिल मिला के दो ऑलराउंडर बन जाते हैं। तो नो डाउट इस ऑलराउंडर जिस टीम में होते हैं वो टीम अच्छी पोजिशन में होती है, उस ऑलराउंडर से फ़ायदा होता है टीम को। हमारी तरफ जडेजा है अजहर भाई, हमारी तरफ पांड्या है, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि मैच का रुख किसी भी पल बदल सकते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अगर बात की जाए तो पांड्या का जो एवरेज मैं हाथ में लेकर बैठी हुई हूँ साहब, 5 विकेट 122 रन, शानदार परफॉर्मेंसेज हमारे ऑलराउंडर्स की पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो क्या ये एडवांटेज इंडिया है? तो डेफिनेटली देखिए, इंडिया के पास बहुत एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, जो कि ऑलराउंडर ऐसे जैसे जडेजा है, जो पांड्या है, वो काफ़ी साल से खेल रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में भी अच्छे ऑलराउंडर थे तो उतना जो ऑलराउंडर थे उतना ज़्यादा उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं, तो हमारे पास जो ऑलराउंडर थे वो एक्सपीरियंस प्लेयर थे और 10-10, 12-12 साल से हमें टीम में खेल रहे, तो मैं समझता हूँ हमको यहाँ पे ऑलराउंडर का इंडियन टीम को काफ़ी एडवांटेज है। कपिल भाजी, सबसे पहले ये देखते हैं कि पिचेस कैसी हैं जी। पहले जो चर्चा चल रही थी कि स्पिनर को हम बेहतर नहीं खेल पा रहे पूरे एशिया में, इधर आजकल के लोग अगर थोड़ी बहुत टर्निंग विकेट होगी तो फिर ऑलराउंडर का अलग रोल आ जाता है, इसलिए डिपेंड करता है पहला मैच देखने के बाद पिचेस आपको कैसे मिल रही है। हाँ, हम अपने प्लेयरों के बारे में ज़्यादा मालूम है, पाकिस्तान के प्लेयरों में अभी मुझे इतना मालूम नहीं, बहुत कम मैचेस देखने को मिलते हैं, तो मैं अपने प्लेयरों की ज़्यादा बात कर सकता हूँ, लेकिन टेम्परामेंट जो अजहर ने कहा बहुत बढ़िया है कि एक्सपीरियंस हमारे प्लेयरों के पास ज़्यादा है, अगर एक्सपीरियंस है तो हम पाकिस्तान को रूल आउट नहीं कर सकते, नंबर वन टीम अगर होती है तो कुछ ना कुछ तो उनके पास परफॉर्मेंस होगी उस जगह पर बैठने के लिए। बिल्कुल मुश्ताक भाई जी, बिल्कुल सबने मेरा बड़ा अच्छा समराइज़ किया इस बात को, बट हमारे पास मैं बहुत क्लियर हूँ एक चीज़ पे कि यू हैव टू प्ले योर बेस्ट प्लेयर। समटाइम हम ऑलराउंडर्स के चक्कर में, हम एक्स्ट्रा बैटिंग करने के चक्कर में बॉलिंग को वीक कर देते हैं, और बॉलिंग आपको टूर्नामेंट जिताती है, एक आध मैच तो आप जीत जाते हैं मगर बॉलिंग आपको मैच जिताती है। टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको पूरे 5 बॉलर जेन्युइन बॉलर खिलाने चाहिए, क्योंकि 50 ओवर इज लाइक मिनी टेस्ट क्रिकेट, इसमें आपको बैट्समैन को रिसीव करना पड़ता है, बैट्समैन की टेक्निक को एक्सपोज करना पड़ता है, तो आप जो ऑलराउंडर्स के ज़्यादा फोकस करते हैं, समटाइम दे कैन विन 1 or 2 games बट दे डोंट विन अ टूर्नामेंट। विनिंग अ टूर्नामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले अ जेन्युइन बॉलर। जैसे आपने विराट कोहली की बात की, तो विराट कोहली अगर नंबर तीन पे जाके खेलता है तो आप उसको देखें ना, वो टूर्नामेंट जिता सकता है, बाबर टूर्नामेंट जिता सकता है, एक मैच के ऊपर आपने डिसाइड नहीं करना होता है, ये होता है कॉन्फिडेंस से डिसीजन करने की बात। आपकी बात से मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि साहब कैंडी में जीत की कैंटी दिलाने का दारोमदार जो है वो यकीनन बॉलर्स के हाथ में ही रहने वाला है। सवेरा, बिल्कुल बोलर्स के हाथ में रहने वाला है, मगर एक चीज कपिल जी मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी, 2011 की तरफ जरा वापस लौट के जाते हैं और देखते हैं कि एमएसडी के पास जो है वो क्या क्या वेपन्स मौजूद थे जिससे जो है उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। दैट वॉज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बैटर्स एंड बोलर्स एंड द प्लेयर्स जो कि दोनों काम कर सकते थे, बोलिंग के ऑप्शन बहुत ज्यादा थे, ऑलमोस्ट 8 bowlers के ऑप्शन निकल आते थे उनके पास, जहां पे टॉप ऑर्डर में सहवाग भी आपको दिख जाते थे, युवराज भी दिख जाते थे, जहां कहीं ना कहीं पार्ट टाइम बोलिंग आपको मिल जाती थी, यानी एमएसडी कुड गो टू एनीवन कब जब बोलिंग में कहीं ब्रेक थ्रू चाहिए होता था। यही चीज आज की अगर मैं बाबर आजम के पास देखूं तो बाबर आजम के पास उसी तरह का लाइनअप मौजूद है कि जब हम इस वक्त बाबर आजम के पास प्लेयर्स को देखते हैं तो उनके पास टॉप ऑर्डर में ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बॉलिंग में भी असिस्ट कर सकते हैं और बॉलिंग अच्छी कर सकते हैं। सो कंप्लीट बॉलर्स की लिस्ट के साथ वो ऐसे प्लेयर्स भी हैं बाबर के पास जो वो पार्ट टाइमर्स बॉलर यूज कर सकते हैं टू गिव अ ब्रेक थ्रू। आपको लगता है कि इस वक्त कंप्लीट बैलेंस आपको टीम पाकिस्तान में दिख रहा है उसी तरीके से?
मुझे ये कहना है कि आप कंपैरिजन 2011 में या 83 में या 75 में क्या था उसका आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अब टीमें अलग हैं, प्लेयर अलग हैं और जगह अलग है, तो इसके लिए ज़्यादा हमें इतना पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ अगर आपकी टीम के पास ऑलराउंडर है तो उसका, जैसे शाहिद ने भी बोला कि वो उसका एडवांटेज है, टीम को बनाने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। मैं मुश्ताक के साथ बहुत सहमत हूँ, उन्होंने बोला कि 5 मेन बॉलर ज़रूर होने चाहिए और उसके बीच में अगर आपको वो एक दो बल्लेबाजी कर लेते हैं तो टीम स्ट्रांग हो जाती है। और मुझे यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहना है कि दोनों टीमों में फील्डिंग का बहुत बड़ा अहम रोल आ जाता है, क्योंकि आप आजकल अगर देखा जाए तो जिसकी फील्डिंग बेटर है वो अनदर 15-20 रन बचा सकते हैं और 2-3 ब्रिलियंट कैचेस पकड़ सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए। बस सवेरा एक चीज में यहाँ पर जो पाजी ने कहा है, मैं बस ऐड करना चाह रहा हूँ कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ थोड़ी सी अलग है। हाँ, अभी भी ऐसे टीम में प्लेयर्स हैं, तिलक वर्मा है बॉल डाल सकते हैं, रोहित शर्मा बॉल डाल सकते हैं, विराट कोहली भी बॉल डाल सकते हैं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन इस टीम का स्ट्रेंथ बॉलिंग और बैटिंग ऑप्शन से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई भी बल्लेबाज कहीं पर भी जाकर किसी भी पोजीशन पर वो जाके रन बना सकता है और इसी पर फिलहाल टीम इंडिया का फोकस है। तो ऑप्शंस ऑलराउंड जो कि आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल एक जगह पर है और शायद पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऐसे ऑप्शंस हैं, इंडिया के पास भी हैं, जो फिलहाल हाल ही में आजकल यूटिलाइज नहीं किया है, लेकिन इंडिया जो है वो फिलहाल उसको ऊपर लेके आ रहा है बाई वे ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि कोई भी बल्लेबाज किसी भी जगह पर जाकर कहीं पर भी आके रन बना सकता है, कंसोलिडेट भी कर सकता है, एक्सेलरेट भी कर सकता है, होल्ड भी कर सकता है, वहां पर टीम इंडिया अपना एक्स फैक्टर ढूंढ रही है। विवेक, आप फिर इतना परेशान क्यों हो रहे थे विराट के नंबर पे? आज प्लेयर नंबर 10 वाला 2 पे भी खेल सकता है और 2 वाला 6 पे भी खेल सकता है, पर वहां तक मैच लेके जाना पड़ेगा कि आप आखिर के 15 ओवर तक मैच लेके आओ, फिर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काम आती है।